वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रेंड इन ट्रेड। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत ही इजी चैप्टर है और इजी टॉपिक भी है। अब इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको मीनिंग ऑफ ट्रेड पूछेगा, टाइप्स ऑफ ट्रेड और ट्रेंड्स क्या चलते हैं उसमें। अगर इसमें कुछ और ऐड करता है तो वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेड से। तो ट्रेड का मतलब बेसिकली होता है कि अगर हम लोग सामान का लेन देन कर रहे हैं, सामान को खरीदना या बेचने के प्रोसेस को ट्रेड बोला जाता है। लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि परचेज एंड सेल भी तो बोलते हैं ना सामान का लेन देन को। लेकिन अगर यही परचेज एंड सेल लार्जर क्वांटिटीज में होने लगती है तो उसे परचेज एंड सेल ना बोल के ट्रेड बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो दिया हुआ है ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। अब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है तो प्रॉफिट तो अर्न होगा ही, बट इन वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप यानी कि लार्ज क्वांटिटीज में ट्रेड किया जाता है। अब ये इंक्लूड करता है, ट्रेड इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि पैसा जनरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रेड में इंक्लूडेड होती है। इसके बाद टाइप ऑफ ट्रेड देखेंगे तो दो टाइप की ट्रेड होती है, पहली होती है इंटरनल ट्रेड और दूसरी होती है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी कि अगर मैं सामान का लेन देन कर रही हूँ, यानी कि ट्रेडिंग कर रही हूँ विद इन द कंट्री, मेरी ही कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश सामान मंगा रही हूँ तो वो इंटरनल ट्रेड ही होगी, क्योंकि मैं अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ट्रेडिंग कर रही हूँ। लेकिन यही अगर मैं चाइना, जापान, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली से सामान मंगाती हूँ तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है, यानी कि मैं अक्रॉस द बाउंड्री ट्रेड कर रही हूँ। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ट्रेड विच इज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। इसको होम ट्रेड भी बोला जाता है क्योंकि हम अपने इंडिया में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है विद टू और मोर कंट्रीज। फिर आता है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड यानी कि कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री ऐसी होगी वो ट्रेड करना पसंद करती है जो डेवलप्ड कंट्रीज हो उसके साथ या डेवलपिंग कंट्रीज हो उसके साथ। तो 3 कैटेगरी के ट्रेंड्स है। पहला होता है ट्रेडिंग विद ट्रेड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के आजूबाजू ट्रेड, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में ट्रेड, इसके साथ साथ कंट्रीज इन ट्रांजिशन, मतलब अभी भी वो ग्रोइंग पीरियड में है। तो ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज में आती है और आपस में ट्रेड करती है वो आती है आपका पहला, तो जो भी ग्रुप ऑफ यूरोप है ना, यूरोप के ग्रुप में जो भी कंट्रीज आती है, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब इंक्लूडेड है, इटली, तो यूएसए, जापान और फ्रांस, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनका जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएसए के बराबर है, तो वो सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। फिर आती है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती है जिनका पर कैपिटा इनकम एज कम्पेयर टू यूएसए या डेवलप्ड कंट्रीज कम होता है, तो वो अभी डेवलपिंग फेज में, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में आपका और अफ्रीकन कंट्रीज आ जाएंगी और एशियन, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। इन कॉन्टिनेंट्स में जो जो कंट्रीज है, ये बात याद रखिएगा कि एशियन कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया भी पड़ता है, इसलिए इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। फिर आता है कंट्रीज इन ट्रांजिशन। कंट्रीज इन ट्रांजिशन मतलब दे आर स्टिल इन अ ग्रोइंग पीरियड, तो ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को कवर करती है कंट्रीज इन ट्रांजिशन। तो ट्रेंड इस हिसाब से है कि या तो डेवलपिंग कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, या डेवलप्ड या बाकी ट्रांजिशन कंट्रीज है वो लोग आपस में ट्रेड करती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट ट्रेड, मीनिंग ऑफ ट्रेड, टाइप ऑफ ट्रेड एंड ट्रेंड्स इन ट्रेड। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।